तो दोस्तों आज की वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर उस बंदे के लिए जो स्किनी बॉडी वाला है, दुबला पतला है, खाया पिया नहीं लगता है, मोटा तगड़ा होना चाह रहा है और वो कोई अच्छा मांस गेनर ढूंढ रहा है, पर उसने सुन लिया है इधर से उधर से आगे से पीछे से कि भैया मांस गेनर मत खाना, मांस गेनर तो खराब चीज होती है, मांस गेनर से तो पेट निकल जाता है, मांस गेनर तो साइड इफेक्ट देता है, वे प्रोटीन खाओ, मांस गेनर मत खाओ। दोस्तों इस टॉपिक को लेकर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई हैं, पर आजकल कुछ ज़्यादा ये सवाल आ रहा है स्पेशली बिगिनर्स का, जो स्किनी बॉडी वाले हैं और जो अभी 12वीं क्लास जस्ट पास कर रहे हैं और कॉलेज की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, क्योंकि कॉलेज में सबको जो है अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, सब अच्छा दिखना चाहते हैं और बढ़िया बात है, अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, लुक अच्छी बनानी चाहिए अपनी, कॉलेज में जाओ तो अट्रैक्टिव लगो। अब दुबला पतला आदमी अपने आप को कहाँ छिपाए, एक घड़ी जो थोड़ा ओवरवेट होता है, जिसका वजन ज़्यादा होता है, वो तो फिर भी कपड़े ऊपर नीचे सिलवा के थोड़ा फिट हो जाता है, पर भैया जो दुबला पतला है वो कहाँ तक कपड़े फिट कराए, कुछ कपड़ा आता ही नहीं है, एम साइज भी नहीं आता, एस भी नहीं आता, और भैया अगर ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े बनवाए तो भैया शरीर चमकता है सारा, हड्डियों का ढांचा। अब भैया उसको मांस गेनर लेना है और मैं भी कह रहा हूं लेना चाहिए, पर उसने सुन लिया है कहीं से कि मांस गेनर खराब चीज होती है, मांस गेनर नहीं लेना, वे प्रोटीन लेना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मांस गेनर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस कंडीशन में लेना चाहिए, वे प्रोटीन बेटर है इससे नहीं है, ये चीज बड़ी ध्यान से समझना। देखिए जिसकी बॉडी स्किनी है, पतली है, एक्टोमॉर्फ है, इजिली वजन नहीं बढ़ रहा है, खाया पिया नहीं लगता है, उसको मांस गेनर ही लेना चाहिए। इस चीज को दिमाग में बिठा लो आप, मांस गेनर जरूर ले वो बंदा जो दुबला पतला है, पर हां मांस गेनर हमेशा ना ले वो बंदा, जैसे ही उसका वजन बढ़ जाए वो मांस गेनर को छोड़ दे। दोस्तों अगर स्किनी बॉडी वाला जिसका वजन नहीं बढ़ रहा है वो किसी के बहकावे में आने से वे प्रोटीन पाउडर ले लेता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का ले ले, उसको रिजल्ट नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि वे प्रोटीन का काम होता है मसल्स बिल्डिंग कराना, ना कि वजन बढ़ाना, ना कि शरीर भरना, और वे प्रोटीन के रिजल्ट बहुत स्लो होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अभी बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, या मैं कहता हूं आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग्स भी हैं और आप दुबले पतले हैं, आपका जो मेन गोल है, आप जब अपने शीशे के सामने अपने शरीर को देखते हैं तो आपका मेन गोल क्या होता है, आपका मेन गोल होता है कि भैया ये जो हड्डियों का ढांचा हुआ पड़ा है, शरीर हड्डी हड्डी दिख रही है, किसी तरीके से ढकें, छुपे, मांस आए शरीर में, वजन बढ़े, थोड़े गाल जो ये पिचक गए हैं थोड़े गाल मोटे हो जाएं, यही गोल होता है हर दुबले पतले का। उस वाली कंडीशन में अगर वो वे प्रोटीन पाउडर लेता है तो दोस्तों उसको रिजल्ट नहीं आने वाले, और अगर आएंगे भी रिजल्ट तो 10 डिब्बे में आएंगे, इतने वो हिम्मत हार जाएगा। और भैया स्टूडेंट और जिनका कम बजट है वो वैसे ही परेशान रहते हैं कि भैया मतलब कम से कम पैसे में काम चल जाए, अब कम से कम पैसे में काम चल जाए इसी लालच में 600-899 वाली चूरन चटनी मत ले लेना, वो लीवर किडनी नहीं बैठा देंगी। आपको लेना है मांस गेनर स्टार्टिंग में, अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, वजन बढ़ाने का गोल है, और अगर आपका वजन ठीक है फिर आपको मांस गेनर नहीं लेना। जैसे मैं अपना पर्सनली अपना एग्जाम्पल देता हूं, मेरा वजन ठीक है भाई, 2-4 किलो कम हो जाए वो और बढ़िया है, पर मेरा वजन बिल्कुल ठीक है, दोस्तों मुझे वे प्रोटीन लेना है, मेरे लिए मांस गेनर खराब चीज है, बेकार चीज है, मुझे मांस गेनर पेट निकालेगा, मेरा गाल फुलाएगा, फैट बढ़ाएगा बॉडी में, मेरे लिए या मेरे जैसा कोई भाई है जिसका वजन ठीक है। और जिसका वजन ठीक नहीं है, और कैसे पता लगेगा कि आपका वजन ठीक नहीं है, ये देखिए स्क्रीन पर आपके चार्ट आ रहा है, आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है, उसके हिसाब से देखो पूरा रेशो आ रहा है, इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका वजन ठीक है नहीं है। जैसे मेरी जो हाइट है वो है 5'9", तो मेरे हिसाब से मेरा जो आइडियल वेट है वो कम से कम 70-75 किलो होना ही चाहिए, वो बात अलग है मेरा 5-7 किलो फालतू ही है, वो बात अलग है, पर 70-75 होना ही चाहिए। अगर आपकी भी हाइट है 5'9" और आपका वजन है 40-45-50-55, तो भैया वे प्रोटीन से बात नहीं बनेगी, आपको मांस गेनर ही लेना है। कब तक लेना है? जब तक आपका आइडियल बॉडी वेट ना हो जाए। भाई 55 किलो है अभी आपका वेट, आप मांस गेनर लीजिए, आपका फॉर एग्जांपल 10-15 किलो बढ़ गया, देन उसके बाद में टाटा बाय बाय, फिर छोड़ दो मांस गेनर, फिर वे प्रोटीन लो। वे प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है, पर उसके लिए जिसका वजन ठीक है, जिसको मसल बिल्डिंग करनी है और जो जिम जाता है, वरना जितने भी दुबले पतले हैं जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है वो मोस्टली जिम भी नहीं जाते हैं,
वो तो बस ये है भैया किसी तरीके से शरीर भर जाए। तो भैया मांस गेनर बेस्ट चॉइस है आपके लिए, किसी के बहकावे में मत आओ आप। अगर कोई आपसे कह रहा है ना भैया मांस गेनर तो खराब चीज है, तो भैया पहले उससे पूछ लेना मांस गेनर खराब क्यों है भाई। आपके लिए खराब होगा क्योंकि आपका वजन ठीक है, आपकी बॉडी अच्छी है, इसलिए आपके लिए खराब है मांस गेनर। तो आप मांस गेनर लीजिए स्टार्टिंग में। जो आपको कह रहा है कि मांस गेनर मत ले, वे प्रोटीन अच्छी चीज होती है, हो सकता है जो आपसे कह रहा है उसके लिए वे प्रोटीन अच्छी चीज है, पर यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मांस गेनर ही बेस्ट है दुबले पतले के लिए, बिगनर्स के लिए, जिनको वजन नहीं बढ़ता है, खाया पिया नहीं लगता है, जो वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, शरीर भरना चाह रहे हैं, अच्छी लुक पाना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि भैया एक्सरसाइज जो आ रहा है ना उनको स्मॉल वो मीडियम में हो जाए, मीडियम लार्ज में हो जाए, तो भैया मांस गेनर लेना है आपको स्टार्टिंग में। और कौन सा मांस गेनर लेना है, तो भैया टॉप 4 मांस गेनर्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, और सप्लीमेंट सलाह पर ये टॉप 4-5 भी मिलते हैं आपको पता ही है। सप्लीमेंट सलाह पर आपको यूं ही कोई मांस गेनर नहीं मिलता है, जिसमें नंबर 1 पे तो सबका बाप है मांस गेनर्स में, आपका पावर मांस गेनर, इसका तो पता ही, आपको रिजल्ट वाली वीडियोस आप देख लो, पावर मांस गेनर के 90% प्लस पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। मतलब अगर 100 लोग खा रहे हैं तो 90 को रिजल्ट आ रहे हैं, तो पावर मास गेनर नंबर 1 मास गेनर, तो आप लीजिए पावर मास गेनर नंबर 1 है। उसके अलावा जो है आप ऑन भी ले सकते हैं, ऑन सीरियस मास भी अच्छा है, लैब्राडोर भी अच्छा है, किंग मास भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं, पर सबसे अच्छा पावर मास गेनर है। मेरी रिकमेंडेशन है पावर मास गेनर आप लीजिए, और दूध में घोल के लीजिए, साथ में बनाना ब्राउन ब्रेड भर के रिजल्ट आए, ताकि क्योंकि मास गेनर हमेशा की चीज है नहीं, इसलिए 1-2 डिब्बे में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ले लो अपने, और भैया उसके बाद टाटा बाय बाय बोलो इसको, फिर अपना वे प्रोटीन पे आ जाओ। और वे प्रोटीन जिंदगी भर की चीज है, वो तो भैया जब तक आप एक्सरसाइज करेंगे मसल बिल्डिंग का, जब तक आपका गोल रहेगा तब तक आपको प्रोटीन तो लेना ही लेना है भाई। पर मास गेनर स्टार्टिंग में ले लो, उसके बाद छोड़ दो, और किसी की बातों में मत आओ, वरना आपके पैसे हो जाएंगे वेस्ट। और वेस्ट का मतलब कैसे वेस्ट होंगे, जैसे आपने किसी की बातों में आकर मांस गेनर की जगह वे प्रोटीन खरीद लिया, चाहे सप्लीमेंट्स वाला से खरीदा आपने, भैया आपको रिजल्ट तो आएंगे नहीं। जब रिजल्ट नहीं आएंगे ना, तो फिर दिल दुखता है, भैया मैंने 5-6 हजार रुपए भी खर्च करे, डाइट में भी पैसा खर्च करा, उसके बाद रिजल्ट नहीं आए, तो भाई थोड़ा परेशान हो जाओगे आप। फिर आप कहोगे कि भैया मुझे तो किसी ने कहा था कि वे प्रोटीन लेना है, मांस गेनर नहीं लेना, इसलिए मैंने वे प्रोटीन लिया, और आपने भी मुझे रिकमेंड नहीं किया था कि आप भाई वे प्रोटीन मत लो, मांस गेनर लो, तो ये वीडियो देख लेना आप। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या लेना चाहिए, मांस गेनर या वे प्रोटीन, तो अपनी एज, हाइट और अपना वेट हमें आप कॉल करके बताओ, इन नंबर आ रहे हैं, ताकि हम आपको सजेस्ट कर सके कि मांस गेनर अच्छा है आपके लिए, वे प्रोटीन अच्छा है। दोस्तों मेरा गोल है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स आप तक पहुंचाना, आपको फैमिली वाली फील देना, प्लस में आपको रिजल्ट भी देना। आपने पैसा खर्च किया है तो वो आपको दुखे ना कि भाई मैंने खर्च भी किया और रिजल्ट भी नहीं आए, तो मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल। पावर मास गेनर ऑर्डर करो, ऑर्डर करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉल करो, आप जो है डायरेक्ट ऑर्डर बुक करा सकते हैं कॉल करके, और ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है। या फिर सप्लीमेंट्स लगे, देखो इतने सारे आउटलेट्स हैं, देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जहां नजदीकी आपका आउटलेट है वहां पर आप डायरेक्ट जाकर लेके आओ सप्लीमेंट्स वाला से। और मास गेनर ही लो दुबले पतले हो तो, वे प्रोटीन मत लो, समझ आ गई। तो अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको कोई सवाल है वे प्रोटीन मास गेनर किसी सप्लीमेंट को लेकर, तो आप जो है हमें कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, बहुत सारे भाई मुझसे कहते हैं भैया आपसे मिलकर पर्सनली आपसे सलाह लेकर और आपके साथ वीडियो बनवाकर अलवल वाली रबड़ी एंजॉय करके ही हमको जो है सप्लीमेंट लेना है, तो आप किस दिन किस आउटलेट पर रहते हो, इतने सारे आउटलेट्स हैं आपके। तो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, किस दिन मैं किस आउटलेट पर रहता हूं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू नोटिफिकेशन आता रहेगा, यूट्यूब के थ्रू काफी बार नोटिफिकेशन नहीं आता है। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, और भैया सेहत बनाओ अपनी, खुश रहो, और ये 800-900 1000-1200 वाले चूरन चटनियां, नकली गेनर और सस्ते वे प्रोटीन से बचो। नमस्कार।